वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फाइनली हम पहुंच गए लेक्चर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 15 12th का फिजिक्स। तो इसमें इस लेक्चर में एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अब चार्ज रिंग कहने का मतलब है कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर ये रिंग है, ये दूसरी रिंग, इस रिंग पे हर एक जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको दिया गया है, तो उसकी वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे, किसी एक्सिस पे, या फिर सेंटर पे, या फिर सरफेस पे, रिंग के सरफेस पे फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने फाइंड करना है। सरफेस पे फाइंड करना है तो सिंपल सा जो भी फॉर्मूला होता है, के ओपन डिस्टेंस के स्क्वायर, वही वैलिड रहेगा। लेकिन अगर एक्सियल पे करना है तो क्या होगा, रिंग की वजह से, इस पूरे रिंग की वजह से उसके सेंटर से एक्सियल पोजिशन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हम इस वाले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं सिर्फ अजय सक्सेना और हेडिंग दे देते हैं। तो आज हमने जो स्टडी करना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। चलिए अब हम इसके लिए चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्यू टू। अब सबसे पहले हम एक रिंग बनाते हैं, ठीक है, एक रिंग बना लेते हैं। चलिए ये हमारा है रिंग, ये हमने एक प्यारा सा सुंदर है, मान लेते हैं कि प्यारा अच्छा सा एक रिंग है, ठीक है। चलिए इस रिंग में ये रहा हमारा रिंग, ठीक है, ओके। इस रिंग का ये मैं सेंटर हो गया। सेंटर से हमें कुछ एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए इस रिंग को चार्ज किया गया, मीन्स सब जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे प्लस प्लस चार्ज दिया गया, चाहे तो आप नेगेटिव चार्ज के लिए कर सकते हो, ठीक है, ऐसे चार्ज कर दिए गए। इसकी वजह से हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कहां पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, क्लियर। अब देखिए सीन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है एट पॉइंट पी, पी पोजीशन पे हमने फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज रिंग, इसी चार्ज रिंग की वजह से करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक पहले मैं आपको समझा दूं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए दो तीन तरीके से आप सोच सकते हैं इस चीज को। पहली बात आप सोच लो कि ये जो टोटल चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो क्यू, मान लेते हैं टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस का क्यू में मान लिया, ठीक है। तो इस टोटल चार्ज क्यू है, डिस्टेंस एक्स है, तो हम निकाल लेते हैं क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, डिस्टेंस हमने एक्स दे रखा है, एक्स डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है वो, दैट इज ट्रू, बट कंडीशन इज इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप लगा सकते हैं जब ये पॉइंट चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हमें टोटली दिख रहा है कि ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कोई कंटिन्यूअस चार्ज, सॉरी कंटिन्यूअस चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये पूरे सर्फेस पे ऐसे चार्ज फैल रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो फाइनली हम ये तो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो पॉइंट के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई इस पे नहीं कर सकते। चलिए दूसरा तरीका है, आप क्या सोच सकते हो कि इस पूरे चार्ज को हम सेंटर पे रख देते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट है, पूरे चार्ज को हमने सेंटर पर एज्यूम कर लिया, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है x, तो फिर से k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही फाइनली वही तो पहुंच गए k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि पहले भी k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा था, तो न्यूमेरिकली तो आप समझ गए होंगे कि नहीं पॉसिबल है। अगर k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इस बार सही होता इसकी वजह से, तो पहले भी तो k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही मिल रहा था, तो पहले क्यों गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत ही है। क्यों गलत है, कि पहली बात तो कोई सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता, सेंटर ऑफ चार्ज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ चार्ज नहीं। तो आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड को आप एक सेंटर पर मान दिए, मास का सेंटर निकालते हैं, क्योंकि होल मास जो होता है, कंप्लीट मास जो होता है, वो सेंटर ऑफ सरफेस में होता है। लेकिन चार्ज का नहीं, चार्ज का तो जहां रखो वहीं पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, चार्ज जहां वहीं के लिए आप एज्यूम करके चलोगे, क्लियर है। तो ये तो होगा ही नहीं, तो कुल मिला के ये डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह से कहीं जाने वाला नहीं है,
इसे आप पॉइंट चार्ज भी नहीं मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो कब, एक तरीका है अगर ये जो डिस्टेंस हो काफी दूर हो, दो चार किलोमीटर अगर मान लो यहाँ से हमारे से कोई दो चार किलोमीटर दूर, कितना भी बड़ा अगर ये है कि जैसे कि गाड़ी आ रही हो दूर से कोई, जैसे फोर व्हीलर भी कोई गाड़ी हो लेकिन दूर से अगर आप उसे देखो तो रात के टाइम में लगता है कि वो टू व्हीलर होगी, क्यों उसके दो लाइट हेडलाइट दो होने के बावजूद भी आपको सिंगल लगने लग जाता है, जो कि इसके बीच का गैप काफी ज्यादा होता है ना, इतना तो होता ही होगा, फिर भी आपको एक जगह पे दिखने लग जाता है बिकॉज हाई डिस्टेंस काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो वही तो है, पॉइंट चार्ज बनाने के लिए चार्ज किया है तो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा रखते हैं या फिर डिस्टेंस काफी ज्यादा रखते हैं, ये मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर जैसे कंडीशन बता दिया था। तो यहाँ पे उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस फिक्स दिया, कोई डेफिनेट वैल्यू दी गई है 2 मीटर 5 मीटर इसके, तो इतने में तो नहीं डिफेक्ट पड़ेगा, इतने में तो आप इसे पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो अब क्या करना होगा, तब क्या कर सकते हैं, अब जो हम कर सकते हैं वो क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में तोड़ ले तो एलिमेंट के छोटे छोटे फॉर्म में एलिमेंट के और बाद में सबको इंटीग्रेट करके ऐड कर ले, ये भी तो हो सकता है ना कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर दे, छोटे 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 और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले कहाँ पे, पॉइंट पी पे, तो उसकी वजह से जो टोटल होगा वही तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यही हमें करना है, दिस इज फाइनल एंड करेक्ट मेथड। ओके तो हम शुरू करते हैं, तो करना क्या है ध्यान से देखते हैं, हम दो कोई फिलहाल कट कर मान लें, ये हमने एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, ये वाला हमने एलिमेंट सिलेक्ट, ठीक है, इसमें हमने मान लिया कि चार्ज क्या है DQ है, चार्ज क्या है DQ, ठीक है, एक कुछ ज्यादा दूर है थोड़ा सा नजदीक ही आता है इसको ताकि उधर लिखने के काम आ जाए, ठीक है, ओके चलिए ये रहा। अब इस DQ की वजह से यहाँ पे जो होगा DQ, ये छोटा सा DQ जो है उसे तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि DQ मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिए भी बताया कि पॉइंट चार्ज दो तरीके से हो सकता है, या तो चार्ज की जो अमाउंट है वैल्यू है उसे बहुत कम ले लीजिए या फिर डिस्टेंस को काफी लार्ज कर दीजिए, तो डिस्टेंस तो लार्ज फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, देखो कम ही कर दिया मैंने, लेकिन तो क्या करें चार्ज को कम कर देते हैं, चार्ज क्यू से अब DQ हो गया, बहुत ही कम हो गया, अब ये पॉइंट चार्ज है और इस पोजीशन पे हमने फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकल सकते हैं, ये मान लिया ये रहा। अब देखिए दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग, रिंग का कोई पार्ट नहीं, इसलिए मैं सिर्फ गिरिए टाइप से दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलिए तो ये अगर मान लिया कि ये क्या है DQ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस DQ चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज DQ ऑन पी पॉइंट जो था हमारा इस पे पी पॉइंट की वजह से। ध्यान से देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 12th के बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जब यू एग्जाम बोर्ड एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी इससे आते हैं क्वेश्चन नीट वगैरह में, लेकिन बोर्ड के व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रूफ पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए कि एग्जैक्ट पोजीशन में कितना होगा, फॉर्मूला डिराइव कीजिए, इस तरीके से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी है इसके वो बाद में दिखाऊंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट DQ चार्ज पी पे क्या हो गया DE हो गया, ठीक है, सिमिलरली इसके सिमिलर पार्ट से हम एक और काट कर रहे हैं, पहले इसका ये चेक कर लेते हैं, ये रहा होगा DQ दूसरा, इसकी वजह से चेक करते हैं, ये दूसरा DE हो गया, अब दोनों DE मैंने क्यों लिखा, अगर आप चाहे तो 1 and 2 के फॉर्म में लिखे बाद में दोनों सेम हो जाए, क्यों सेम होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं DE ही लिखना चाहूँ DE लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K into DQ अपॉन डिस्टेंस क्या स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ये वाला डिस्टेंस, मान लो कि इसकी डिस्टेंस को मैं क्या मान लू छोटू आर मान लेना, छोटू आर को मैं रेडियस मान लू, ठीक है, दिस इज रेडियस तो इसको मैं कैपिटल आर मान लेगा, ठीक है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, इस कैपिटल आर का स्क्वायर होगा या नहीं, देखो जो भी चीज कॉन्स्टेंट होता है उसमें कोई डी या ऐसा नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी, चार्ज हमारा वेरी कर रहा है, रिंग का शेप या साइज फिक्स है, रिंग का शेप तो रिंग हो गया और साइज हमने फिक्स कर लिया कि इतना ही वाला रिंग हमें मिल रखा है जिसका रेडियस कांस्टेंट हो गया तो वो फिक्स है, रेडियस स्मॉल r वो फिक्स है, ये जो जिस पोजीशन पे हमें फाइंड करना था ये वाला जो पोजीशन x
ये फिक्स है, x फिक्स है, तो r भी तो फिक्स ही होगा जो कि अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, वो बात की बात है, फिक्स हो गया नहीं, तो इसमें कोई d भी लगाने की जरूरत नहीं, k तो कांस्टेंट टर्म है 9 into 10 to the power 9, तो उसमें भी नहीं लगाने की जरूरत, तो सिर्फ और सिर्फ जो d वेरी कर रहा था वो लिख भी दिया गया, वो किसकी वजह से हो रहा है, dq की वजह से, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये de सिर्फ और सिर्फ dq पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे भी तुमने dq चार्ज के लिए मान रखा है, तो यहां से 1 और 2 अगर आप करते भी हो तो दोनों के दोनों सेम ही होंगे, दोनों की तरफ से कितना, अब ऐसा नहीं कि एक ही कट हो सकता, बहुत सारे कट मार सकते हो, जितना चाहिए इस एलिमेंट को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देख लीजिए दिस इज नी, आपने पहली बार यहां से कट करा, अगली बार आप यहां से कट करो, तो इधर से जाने वाला यहां से चलेगा और इधर से जाने वाला फिर यहां से चलेगा, फिर यहां एक यहां से, ये इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, मीन्स जो भी जाएगा वो ऐसे चलता जाएगा एक दूसरे, ठीक है, सेंटर से यही से पी पॉइंट से ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा। अब इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके चेक करते हैं कितना होगा। अब देखिए मान लेते कि एंगल थीटा, ये लेट कर रहे तो ये भी एंगल थीटा है, एंगल क्यों दोनों थीटा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि दोनों एंगल सेम थीटा ने क्यों माना, थीटा वन थीटा थ्री क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर कोई भी थीटा हम डिसाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कॉस थीटा लिखा पहले वाले के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिक सॉरी हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन आर, इस वाले ये थीटा होल कर, इस वाले के अगर हम थीटा टू लिखते तो कॉस थीटा टू, इसके लिए बेस क्या है, इसके लिए बेस एक्स ही है और इसके लिए आर है, तो कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू दोनों सेम है, तो क्या थीटा वन और थीटा टू दोनों सेम है, दोनों सेम होगा नहीं, तो इसीलिए दोनों थीटा थीटा के टर्म में लगा दिया गया है, इस एक्स को थोड़ा सा इधर लिख दिया, ओके, तो ये दोनों सेम है, कॉस थीटा वन कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा टू, सो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, ओके, जिस तरह से डी वन और डी टू सेम हुआ था उसी तरीके से थीटा वन थीटा टू। अब इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करें देख लीजिए ध्यान से, दिस इज थीटा तो अल्टरनेट एंगल से भी थीटा हो गया, दिस इज थीटा तो अल्टरनेट एंगल से भी थीटा, क्लियर। अब इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आप जानते हैं जिसके साथ एंगल होता है उसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं, डी ई कॉस थीटा, मैं इस वाले की हेल्प से लिख रहा हूँ, इसका कॉस कंपोनेंट इधर, तो साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, डी ई साइन थीटा, ओके। अब देखिए इस वाले की वजह से देखो इसका ये है, इसका कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में सिमिलरली, इस वाले के लिए हम चेक करें तो एक्स का तो इधर हो जाएगा और वाई का ऊपर, ठीक है, तो कॉस कंपोनेंट इसका भी इसी एक्सिस में होगा डी ई कॉस थीटा, लेकिन जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो डी ई साइन थीटा ऊपर की तरफ। अब देखिए होगा कि नहीं, सबका ऐसा ही होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक एलिमेंट आपने डी क्यू यहाँ से कट करा, डी क्यू इधर से, ठीक है, ये आया ऐसे की तरह, ठीक है। अब एक्स कंपोनेंट इस वाले का अगर हम चेक करेंगे तो थीटा इधर से बन रखा है, तो ये इधर की तरफ होगा, इसका भी इधर की तरफ होगा, ये दोनों पैरेलल या एक ही एक्सिस पे, लेकिन दोनों का वर्टिकल चेक करेंगे तो अपोजिट हो जाए और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। चलिए तो हम कैंसल आउट कर दे रहे, डी ई साइन थीटा इससे ये कैंसिल कर दे, क्यों, जिस सेम फोर्स है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। चलिए दिस इज डी ई साइन थीटा एंड डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, क्लियर है। अब देखिए डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा एकदम रीजन ये हो जाता है कि दोनों सेम एक्सिस में है तो दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे, लेकिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि ये दो ही ऐसे एलिमेंट्स बने क्या, ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना ऐड करने के लिए, रेगुलर थोड़ी कि सेम टू सेम इसी दोनों पे है चार्ज, कि यहां इसी दोनों एलिमेंट पे चार्ज, चार्ज तो हर एक जगह पे है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, केवल अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्लियर है। हाँ, हर एक सेक्शन से आप निकाला जा सकता है, मान लीजिए आप ऐसा करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा डायग्राम रफ दिखने लग जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से एक दो सेक्शन काटिए, एक यहाँ से निकाल दीजिए और एक इधर से कर दीजिए, एक यहाँ से निकाल दीजिए, इसका भी सेम टू सेम रहेगा, एक यहाँ से निकाल लिया कट करके, यहाँ से निकाल दिया एक इधर से कर दिया, तो एक इधर से निकलता चलेगा, तो इस तरीके से तो सारे सारे बनते चले जाएंगे, तो जितना भी डी कॉस थीटा होगा क्या सबको डी कॉस थीटा ऐड करते जाएंगे, नहीं ऐड करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि ये वाला लिख दिया, दो लिख दिया डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा,
ये नहीं होगा 2d cos थीटा, अब इसको बाद में फिर से इंटीग्रेट कर रहे, ये गलत हो जाए। ऐसा कंफ्यूजन इसलिए होता है ना क्योंकि दो ही एलिमेंट हम लेते हैं, दो एलिमेंट में आप इधर भी d cos थीटा बच गया, इधर भी d cos थीटा बच गया, बाद में दोनों को क्या करते हैं, पहले ऐड कर लिए फिर इंटीग्रेट कर रहे, तो ये गलत है, ये गलत है। पहले हम एक ही d cos थीटा को सिलेक्ट करेंगे, कोई एक ही को सिलेक्ट करेंगे ना, इतने सारे एलिमेंट्स हैं सबको एक बार में थोड़ा ना चेक कर सकते, या तो आप सबको ले लो जितना आपको पता है, जो कि हमें पता नहीं है कितने एलिमेंट में कट रहा होगा, इंटीग्रेशन तो इसीलिए हम करते हैं ना ताकि हमें पता नहीं है फिर भी उसे ऐड करना है, क्लियर है। चलिए बहुत बड़ा बाजार सुन गए, अब देखिए डी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू चार्ज की वजह से हो रहा है, ये सब हमने देख लिया थीटा 1 थीटा 2 के बाद। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलने वाला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी वजह से होगा, जो मैं डीई नेट लिख दे रहा हूँ, डीई जो नेट मिलेगा डी की वजह से वो क्या होगा, डीई कॉस थीटा की वजह से होगा, ठीक है। इधर भी नेट कर निकल दीजिए, इधर भी नेट कर लीजिए, मीन्स हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा मिलेगा, इसकी वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो जो हो चुका उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चलिए मैं रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, वैसे भी बहुत सारा स्पेस ले रखा है, बाद में फिर से ड्रॉ कर लूँ जो रोक रहा है नहीं। चलिए अब इसको मैंने रफ कर दिया, अब देखते हैं क्या होगा, मैं साइड में थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि हम कब किसके लिए हैं, ये साइड में मैंने बना दिया, ये रिंग है यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये लेंथ काटा हमने डी, यहाँ से हमने जब लिखा था डी, ठीक है, डी क्यू की वजह से हो रहा है, डी क्यू की वजह से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये अगर ये आर है ये एक्स है ये आर है ये एक्स है, तो ये दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज थीटा दिस इज एल्सो थीटा, नेट जो हमारा डी कॉस थीटा है, क्लियर है। और सब पे क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने एक मिनट की समरी में देखना होता है, अभी तक हमने इतना ही काम करा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कॉस थीटा चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा की अगर बात करें तो कितना होगा बता दीजिए, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे हम चाहे थे एक्स अपॉन्ड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, देखो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन में करूँगा इसे, काफ़ी आसान, उसमें जो रिक्वायरमेंट होने वाला है हम पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डी क्यू की बात करेंगे, डी की बात, डी क्या है के डी क्यू बाई के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर लगाना था तो कैपिटल आर का स्क्वायर, मीन्स के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या था 1/2, और इसका होल पावर जब करेंगे स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली बन जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ये भी हो गया हमारे पास। तब शुरू कर देते हैं अपना जो काम है, क्या है हमारा काम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल पोजिशन के लिए वो क्या लिखोगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब एक है यहाँ पर टर्म, क्या कॉस थीटा कांस्टेंट वैल्यू देगा, कॉस थीटा के कांस्टेंट वैल्यू में प्रोवाइड करा रहा है, तो बिल्कुल करा रहा है, देख लीजिए, बिकॉज जिस पोजीशन पे आपको फाइंड करना है चीज एक्सिस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है जिस पोजीशन पे आपको सेंटर से फाइंड करना है, वो भी हमें डेफिनेट गिवन होगा, रेडियस ऑफ रिंग एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा तो भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, मीन्स कॉस थीटा कॉन्स्टेंट टर्म है, बाद में निकाल लेंगे इसको बाहर, चाहे पहले निकाल लीजिए कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। डी डी के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के तो वैसे भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज आर कांस्टेंट और एक्स कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही होगा, तो जो भी कांस्टेंट है उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, तो इसको बाद में लिखूंगा इधर,
इधर देखिए E net is equal to cos theta into k बाहर हो गया, नीचे r square plus x square ये भी बाहर हो गया, integration of dq, dq का हो गया integration, चलिए very good है, dq का हम integration कर देंगे, अब इधर से देखते हैं put करते चले जाते हैं, ठीक है, dq का integration हम 0 से लेके charge q तक कर रहे हैं, जो charge हमें capital q मिला था ना, हमने मान लिया था वही capital, 0 से लेके q तक कर देंगे इसका integration, cos theta की value put कर देते हैं, cos theta की value कितनी है, x upon r square plus x square power 1 by 2, ये हो गया, नीचे क्या है, एक k भी, एक k भी इधर है, उस और ऊपर k है, और एक r square plus x square पहले से ही था, r square plus x square पहले से था, into dq का integration, dx का integration जैसे x होता है, उसी तरह से dq का integration q, फिर वो क्या चेंज करोगे q से q, चलो एक बार कर दे रहा हूँ, ये q हो गया, ये 0 से q, ठीक है, तो kx नीचे इधर पे पहले चेंज कर लेते, देखिए इसका पावर कुछ नहीं है, इसको अलग रख रहा हूँ, ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा ही, ऐड कर देंगे पावर, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, 1 by 2 plus 1, 3 by 2, इधर क्या हो, एक बार q की जगह कैपिटल q रखेंगे, एक बार 0 और माइनस करेंगे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ q बच जाएगा, हो गया, तो हमें यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 by 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें यहां से मिला, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 by 2, लिख लीजिए, तो लिख रहा हूं यहां से, नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 by 2, क्लियर है, चलिए, मींस यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और x स्क्वायर के साथ तो कर है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, मींस x के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मींस x जैसे-जैसे बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ेगा, हां स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद कुछ डिस्टेंस के बाद वो फिर से घटने लग जाएगा, कैसे तभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फार्मूला हमने फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फार्मूला है यहां से सेंटर से x डिस्टेंस की हो गया, अब चलिए मैं इस चीज को फिर से दिखा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ये रख कर रहा हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट कर लेते हैं सर, ओके, अब देखिए समझ गए, काफी आसान इंटीग्रेशन, दो या तीन लाइन का इंटीग्रेशन था, काफी इसका फोबिया है कि नहीं इसका बड़ा इंटीग्रेशन होता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, दो लाइन का इंटीग्रेशन था, आसान है बहुत, तो इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, ठीक है, इसे हम केस वन मान लेते हैं, केस वन, ठीक है, अब हमें जो चाहिए चार्ज रिंग, रिंग कैसा चार्ज है ये तो हम समझ ही चुके हैं, ठीक, अगर हम ये चेक करते हैं केस टू में कि सेंटर पे फाइंड कर रहा हो तो सेंटर पे, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे करेंगे तो क्या होगा, रिंग के सेंटर पे लाएंगे तो चार्ज क्या मिलने वाला, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा रिंग, दिस इज हमारा रिंग, आवर रिंग, हम सबका रिंग, ठीक है, ये अब हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को कम करते 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 कहां पहुंच गए, बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गए, ये सब खत्म, सेंटर पे आ गए, बिल्कुल मींस x 0 ही हो गया, x 0 ही तो हो गया सेंटर पे पहुंचते पहुंचते, इसका क्या मतलब, x is equal to 0, चार्ज रिंग है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अगर x डिस्टेंस होता तो kq x, x की वैल्यू है 0 अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, अब चाहे नीचे जो भी सिंबल के आए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो ओवरऑल जो हमारा टर्म होगा वो 0 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या मिल गया हमें 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 ही है नहीं, तो मींस हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन कुछ बन रहा है, पहले सरफेस पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, केस थर्ड, अब हम सरफेस पे चेक करते हैं, सरफेस पे चेक करते हैं,
सरफेस का मतलब ये वाला हो गया, ये रहा हमारी, ये चार्ज हो गया, चार्जिंग हो गया ना इसका। अब हमें जो चेक करना है यहाँ पे, यहाँ तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, r है, r ठीक, और ये तो पहले से r था। तो फॉर्मूला जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। k q यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू r, x की जगह हमने पुट कर दिया r, अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। तो के क्यू आर अपॉन टू आर स्क्वायर होल पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर हो गए, तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल, टू का क्यू एट हो जाता है, के क्यू आर अपॉन एट आर क्यू एक कैंसिल हो गया। यहां से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की वजह से जो मिला वो क्या है, के क्यू अपॉन एट आर स्क्वायर। देखिए और क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, देखो आप हम सोच रहे होंगे कि इसकी वजह से मैं जो मिलेगा सरफेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो भी गलत था ना, इसलिए गलत था क्योंकि चार्ज एक ही तो नहीं, एक ही चार्ज का तो नहीं जो हमें सरफेस फाइंड करना है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज जो कि आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इसकी वजह से भी हमें मिलेगा के क्यू अपॉन एट आर स्क्वायर। तो अगर हम चेक करें तो सेंटर में जो था वो जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे क्या मिला हमें के क्यू अपॉन एट आर स्क्वायर, विच इज कॉन्स्टेंट वैल्यू एब्सोल्युटली, बट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू बढ़ी है। चलो अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो मीन्स देखो अगर बात करें ग्राफ की, दिस इज सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर से इंक्रीज कर रहा है, अब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज कर रहा है या कर्व से कर रहा है वो तो बाद में चेक करना पड़ेगा, अभी चेक कर रहा है। इसमें देखें दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, अभी ये कॉन्स्टेंट है क्यों, क्योंकि के की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और स्मॉल आर जो कि रेडियस ऑफ रिंग है वो कॉन्स्टेंट है। अब एक और बाहर के पॉइंट के लिए देख लेते हैं, तो कुछ डिस्टेंस पे अगर हमने चेक करा था तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 था पावर, तो एक्स के साथ कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, है नहीं? अब थोड़ा सा एक और केस लेते हैं, फोर्थ केस, जिसमें हम करेंगे क्या इनफाइनाइट के लिए चेक कर लेते हैं, किसके लिए चेक कर लेंगे इनफाइनाइट के लिए, ठीक है चेक कर लेते हैं, इसी को रफ कर देना केस फोर्थ करके, फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के भी चेक कर ले, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स एक्स इज या फिर ये भी बोले जाए वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, क्लियर? ऐसे केस में क्या होगा चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है वो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, के क्यू एक्स की जगह पे आप पुट करोगे इनफाइनाइट अपॉन, अब चेक कर देते हैं, एक सेकंड याद रखिए एक्स नॉट एब्सोल्युटली इक्वल टू इनफाइनाइट, हमने एक टर्म लिया है कि एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ऐसे केसेज में क्या होगा, हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बचपन की वाली बात है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं क्या इफेक्ट जनरेट होता है, इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो हम जैसे जैसे दूर जाते हैं जितना दूर जाते हैं उसके इफेक्ट की वैल्यू कम होती है, प्रभाव कम होता जाता है, इनफाइनाइट में बोल लेते वो जीरो, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो मीन्स डायरेक्टली अगर हम ये लिख रहे हैं कि एक्स इनफाइनाइट है, नहीं देखो इनफाइनाइट इज अ कंपेरिबल, कंपेयर किया जाता है, जैसे चींटी के लिए हाथी का साइज इनफाइनाइट साइज होगा, हाँ हो गया कि नहीं, तो इनफाइनाइट देखो ऐसा नहीं कि इतने नंबर होगा तो उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे, दिस इज कंपेरेबल नंबर, तो यहाँ फिलहाल अगर हम एक्स ही रख रहे हैं, ठीक है, बाद में इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, लेकिन जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो जो होगा उसकी वैल्यू आर स्क्वायर की जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, देखो जैसे लिखा गया कि एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर ही है ना, जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा इनफाइनाइट का, कुछ भी पावर करेंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा जीरो, ओवरऑल क्या आ जाएगा जीरो, ठीक, अगर आप यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखते तो इनफाइनाइट अपॉन एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड करके आ जाएगा, तो एक ही बात हो गई, नॉट डिफाइंड है अच्छा जीरो, ऐसे उसमें मैथ के हिसाब से देखो तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखो तो वह जीरो हो या नॉट डिफाइंड है हमारे लिए तो एक ही काम, तो मीन्स वहाँ पर कुछ नहीं मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाला चीज जीरो या फिर वहां पर डिफाइन नहीं किया,
यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है, सेंटर पे जीरो, सरफेस पे क्या मिला, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि है के क्यू अपॉन एट आर स्क्वायर, इनफाइनाइट पे क्या मिला, फिर से जीरो। मीन्स ये ग्राफ में पहले इंक्रीज करेगा, सडनली जीरो से कुछ टाइम तक ये इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करने लग जाएगा, एक बेल टेप टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ में देखेंगे, चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको बताता हूँ आगे का, जल्दी नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन ये तो समझ गए, अब हम क्वेश्चन भी करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसे रफ कर दे, रफ हो गया है, अब ओके चलिए। अब देखो ये जो है क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, फाइंड द पोजीशन वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक। मीन्स वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के लिए वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल जाए। Also find the maximum electric field भी find करना है, and draw the electric field versus x, ये graph भी हमें draw करना है। तो इस question के तीन part actually, first part is find the position where इलेक्ट्रिक फील्ड विल मैक्सिमम, उस पोजीशन को फाइंड करने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही हो। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से, एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है। एंड थर्ड वन इज आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, ग्राफ। तो ये फाइंड नहीं करना है, इन दो करना है, फाइंड तो करना नहीं, चलिए देख लेते। तो ये क्वेश्चन रफ कर दो, फ्रेश फ्रेश ही खाएंगे, चलो बाद में रफ कर दो। चलिए तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएं। देखिए कभी भी जब भी आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम के लिए ये निकालिए, कंडीशन दे दिया जाए मैक्सिमा या मिनिमा, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा का ही काम करना होगा। तो हम पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजिशन के लिए ड्यू टू चार्ज रिंग इज के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग ए के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से मैक्सिमम फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो हमारा होगा डीई अपॉन डीएक्स, जैसे dy upon dx लिखते थे ना, तो y में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, x में तो पूरा टर्म, तो dy upon dx इसको भी जीरो करते थे, यहाँ पे dE upon dx क्या क्या कर दो, ये जीरो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप याद रखना है, आपको ये करना है dE upon dx is equal to zero, क्लियर। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते, थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, dy dx of k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और इसे जीरो से इक्वेट कर देना है। ओके चलिए अब शुरू कर देते। देखो के क्यू और इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हो, निकाल ही लो, के क्यू क्या कौन सा कॉन्स्टेंट है, मीन्स इसमें तो कोई एक्स वेक्स नहीं है,
सॉरी हाँ के क्यू क्यू में तो ये मल्टीप्लाई में जो एक्स है उसको छोड़ देंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते, कॉन्स्टेंट टर्म है लेकिन बाहर है, इसका मतलब क्या, क्योंकि इसमें आर के साथ एक्स भी है और उसी एक्स के टर्म में उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इस वाले को प्लीज बाहर ना निकाले, ये तो खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस के क्यू को हम जरूर बाहर निकाल रहे हैं एक्स को छोड़ के मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ एडिशन में है इसलिए नहीं निकल पा रहे। देखिए कैसे कर रहा हूँ, इसको के क्यू को तो निकाल लिया हमने बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बता दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर बच गया एक्स अपॉन नीचे बचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू, क्लियर है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन और बाद में इसी को क्या कर देंगे इक्वेट जीरो से। चलिए चेक करते हैं, अब मान लीजिए जैसे ये आपको दिख रहा होगा, लेट कर लिए u इज इक्वल टू यहाँ पे x है और v इज इक्वल टू है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2, याद है कुछ, तो du बाई आई मीन u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन करते थे डिवाइड वाला में, तो वो क्या करते थे, पहले v को बाहर रख लेते थे u को डिफरेंशिएट करे माइनस, फिर u को बाहर रख लिए v को डिफरेंशिएट कर लिए अपॉन v स्क्वायर, है नहीं, तो मैं लिख दे रहा हूँ d बाई dx ऑफ u upon v, इसको हम जब करते थे तो ये फॉर्मूला था, पहले सबसे पहले v को बाहर रखिए और u को कर दिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन माइनस u को बाहर रखिए dv by dx होल अपॉन v स्क्वायर, ये करते थे, ओके यही हम कर रहे हैं आप। चलिए तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, v कौन सा है हमारा, सबसे पहले उसे बाहर रखिए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखो के क्यू भी साथ में है इसको हम बोलना नहीं है, ऐसे भी बाद में सही बोल जाना है बट क्लियर करके, अब क्या है इसके रूल देख करेंगे, तो v कौन सा है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ u कौन सा है u है x x को इन टू माइनस, अगली बार u कौन सा है x है, इस बार डिफरेंशिएशन में कौन जाएगा ये भरा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 बाई 2, ठीक है, इससे हमने बंद करा, शायद उस साइड से आपको ना दिख रहा हो, दिस इज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल इक्वेट कर देंगे जीरो से। चलिए अब शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड में इसे रफ रफ कर लेते हैं, चलिए अब हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड में का, यदि कोई बोले अब देखिए क्या है हमारा के क्यू वी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, वी की जगह पे तब पुट कर सकता हूँ ना, वी की जगह पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर जब करेंगे तो टू से टू कैंसिल सिर्फ थ्री बचेगा, है नहीं, तो एक काम कर इसको ढूंढने से अच्छा उसको सही कर देंगे, उधर दिख नहीं रहा होगा इसलिए पहले इधर लिख दे रहा हूँ के क्यू अपॉन इससे बाद में लिखे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यू है इधर से चेक कर लेते हैं अंदर में क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 इनटू डीएक्स बाई डीएक्स ये वन हो माइनस एक्स इनटू अब देखिए पावर क्या है 3 बाई 2 तो पहले तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक पावर कम करते वही तो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 से एक पावर जब हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा लिखिए अब सर इधर कर देगा 3 बाई 2 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 बाई 2 हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू अब अंदर जाके करेंगे तो आर स्क्वायर का x के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई टर्म नहीं मिलेगा r का x के टर्म में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा लेकिन x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ठीक है होल अपॉन ये तो हम लिख ही चुके हैं इज इक्वल टू 0 इस पूरे टर्म को उठा के फेंक दीजिए उधर ये जीरो हो गया ठीक है तो इधर क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 माइनस 3x अपॉन 2 नहीं 2 2 कैंसिल ही कर दीजिए 3x ये 2 से ये 2 कैंसिल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0 एक ये कॉमन लिया जा सकता है दोनों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर छोटा वाला पावर कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाई 2 कॉमन आ गया इधर क्या बच जाएगा एक टर्म और बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0 चलिए
इसे भी उठा के फेंक दे जीरो के नीचे, ये भी जीरो हो गए। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई टू माइनस का थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ये पूरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो लिख लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर वन बाई टू ये भी जीरो हो गया। ठीक है, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो पावर है वन बाई टू इज इक्वल टू हो गया थ्री एक्स। ठीक है, चलिए अब हमें जो निकालना है x की वैल्यू, इधर पावर है 1 by 2 मींस ये रूट में है, तो हमारे जो सिक्स सेंस हमें बता रहे हैं वो क्या है कि स्क्वायर तो करना पड़ेगा, स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो कर देते हैं स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बी यू टी एस एस आई डी मींस बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये 3 से हो जाएगा 9x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाए, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एट, तो जब हम एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एट, आर स्क्वायर नहीं है इसीलिए सिर्फ आर बाहर जाएगा, रूट से एट का होता है टू रूट टू, टू टू जा फोर टू जाए है नहीं, तो वो जो आएगा प्लस माइनस के साथ भी आएगा उसमें जो रहेगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी बता दीजिए, एक्स की जो वैल्यू है वो पहुंच गया प्लस माइनस का आर अपॉन टू रूट टू, ये हमारा हो गया वैल्यू। मीन्स ये वो पोजिशन है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का मीन्स लेफ्ट में भी और राइट में भी आर अपॉन टू रूट टू, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमें मैक्सिमम मिलने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली, मैक्सिमम, क्लियर है। तो ये पोजीशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब अगला जो मिशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को वो भी कर लेते लगे। चलिए ठीक है, फटाफट इसे नोट कीजिए, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यही इसी में काफ़ी लेंथ बना हो जा रहा है, हमेशा कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट अंडर में मिले फिर वीडियो बनाऊँ, लेकिन ना जाने फिर से आगे चले। चलिए अब है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी थी आर बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू इंटू आर बाई टू टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू रूट टू का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, के क्यू आर अपॉन टू रूट टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर ये एट हो जाएगा 3/2। अब चलिए चेक करते हैं कितना मिल गया हमें, के क्यू आर अपॉन टू रूट टू आर स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, आर स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, चाहे ऐसे ही कर लो एट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नाइन आर स्क्वायर हो जाए नाइन आर स्क्वायर अपॉन एट, ये हो गए। इसको मार कर लें के क्यू आर अपॉन टू रूट टू, फिर से इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो थ्री आर अपॉन टू रूट टू, इसका होल स्क्वायर लिख दे और इस पूरे का पावर कितना है 3/2 हो गया, एट नाइन आर स्क्वायर अपॉन एट था, हमने एट को फिर से टू रूट टू के फॉर्म में ही लिख दिया ताकि हम इसे स्क्वायर करेंगे, जब ये स्क्वायर करेंगे तो फिर से एट हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे फायदा क्या है कि आर ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया बता दीजिए, के क्यू आर अपॉन टू रूट टू इंटू थ्री आर अपॉन टू रूट टू का होल क्यू, ये मिल गया। चलिए आगे चेक करते हैं, के क्यू आर अपॉन टू रूट टू इंटू थ्री का क्यू 27 आर का आर क्यू अपॉन टू का क्यू कितना हो गया 8 और रूट टू का टू रूट टू, पहले रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, फिर से रूट टू बच गया टू रूट टू, टू रूट टू से टू रूट टू थी ये तो कैंसिल हो गया, ये एट ऊपर जम कर जाएगा एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो एट के आर
सॉरी 8 के आर नहीं 8 के क्यू अपॉन 20 8 के क्यू अपॉन 27 आर स्क्वायर ये ओके। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल गया वो क्या है 8 के क्यू अपॉन 27 आर स्क्वायर ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। रही बात अब ग्राफ की ओके तो फटाफट ग्राफ भी बना लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ग्राफ चेक कर लेते क्या होगा ग्राफ। दो पार्ट तो हमने कर दिया इसका एक ही में तीन क्वेश्चन था अब देखते हैं ग्राफ के लिए ठीक है। तो ग्राफ के लिए चेक करते हैं देखिए ध्यान से ये रिंग का सेंटर हो गया देखिए जैसे बना ले पहले ऐसे ये दिख ना रहा हूँ रेड पे रेड कलर तो वैसे भी विजुअल हो जा रहा है कम ठीक है। ये है हमारा रेड वाले को कर दिया हमने तो पहले जीरो से लेके आर बाई टू तक एक्स इज इक्वल टू कहाँ है प्लस प्लस का इधर लिख ले रहा हूँ आर अपॉन टू रूट टू तक ये बढ़ेगा और यहाँ पे मैक्सिमम उसके बाद ये फिर से डिक्रीज करना शुरू ये हो गया मैक्सिमम के लिए ठीक है। ये हमारा इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो गया एक्स क्लियर है समझ रहे क्यों क्योंकि इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का था एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन टू रूट टू तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है फिर फर्दर डिक्रीज करेगा और पैरेलली इनफिनिट में जाकर वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए बुक में और एक जगह ऐसे ही बना दिया जाता है जो कि गलत है उसको ठीक है। इधर आएंगे भी तो इधर भी वही सीन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर अपॉन टू रूट टू पे फिर से मैक्स में मिलना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा ठीक है। और या नहीं कहाँ पे दिख रहे ये यहाँ पे फिर से मैक्सिमम ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये सेम टू सेम ऐसे चला जाएगा ये हमारा ग्राफ हो गया ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज ढंग से ही बना दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज ये हो गया हमारा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का ये ग्राफ था। तो इस लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं इस लेक्चर में जो हमारा है वो इसी पे मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ मीन्स ग्राफ को स्टॉप कर दिया हमने इस लेक्चर में जो पढ़ा था वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सियल पॉइंट आई मीन चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकला वो करा मैं न्यूमेरिकल करा ग्राफ करा। नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर उसमें आप जो पढ़ोगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ये रिंग था वो सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वजह लेकिन सेंटर पे पढ़ेंगे आउटसाइड पढ़ेंगे इन्फिनिट वगैरह सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच जय हिंद। Yummy, yummy, yummy.